हेलो पीपल, मेरे किचन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, चाहे तो टिफिन ले जा सकते हैं, या फिर शाम के नाश्ते में भी आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाती है और उतनी ही टेस्टी होती है। तो आज हम बनाएंगे दो अलग अलग तरीके के वेज रोल, जिसकी रोटी हम मैदे की नहीं आटे की बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप गेहूं के आटे को सीव करके लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और उसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लूंगी। इसमें मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐसे फैला के इस पे गर्म पानी ऐड कर दूंगी और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। 1 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ऐसा करने से हमारा जो डो है उसमें ग्लूटेन अच्छे से जनरेट हो जाएगा और ये आटे का डो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और अब मैं इसमें नॉर्मल पानी ऐड करके इसका डो रेडी कर लूंगी। आटा जब ऐसे बाइंड हो जाएगा तब हम हाथ पे थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको ऐसे करते करते थोड़ी देर तक के लिए और गूंथ लेंगे। ऐसा करने से हमारा जो डो होगा वो थोड़ा सा लचीला बनेगा। ये देखिए, ये एकदम रेडी हो गया है और ये डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही गीले कपड़े से ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और ये डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसे ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लूँगी। फिर मैं इन सारे पोर्शन का अच्छे से लोई बना के रेडी कर लूँगी। हाथों के बीच में ऐसे राउंड करते करते देखिए, अच्छे से हमारी लोई बनके रेडी हो गई है। ये देखिए, मैंने सारी लोई बना के रेडी कर ली है। अब हम इस लोई को आटे में अच्छे से डस्ट कर लेंगे और इसे ऐसे बेल लेंगे। अभी हम इसे ऐसे साइड रख देंगे। फिर हम दूसरी लोई को भी ऐसे ही आटे में डस्ट कर लेंगे और हल्का सा बेल लेंगे। अब मैं इस पे अच्छे से ऑयल फैला के ऐसे लगा दूंगी और दोनों को एक साथ ऐसे करके मैं इसे अच्छे से बेल लूंगी। ऐसा करने से आपकी रोटी बहुत ही ज़्यादा पतली बनेगी और एक बार में आपकी 2 रोटियां बनके रेडी हो जाएंगी। ये देखिए, हमारी रोटी बेलके तैयार है। ये मैंने तावे को अच्छे से गर्म हो जाने दिया है। अब मैं इस गरम तावे पे ऐसे करके रोटी को डाल दूंगी। ऐसे प्रेस करते हुए मैं इसे अच्छे से पका लूंगी। रोटी को हमें लो फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो इससे ये क्रिस्पी और टाइट हो जाएगी, फिर हमें रोल बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए हमें इसे हाई फ्लेम पे करके ऐसे दबाते हुए जल्दी जल्दी पका लेना है। ये एक साइड से हो गई है, अब मैं इसे दूसरी साइड टर्न कर लूंगी। ये देखिए, ये जगह जगह से ऐसे अलग होने लगी है। आप इसे ऐसे नाइफ या टोंग की हेल्प से आराम से अलग कर लें। ये देखिए, ये कितने आराम से अलग हो गई है। अब मैं इस रोटी को उस साइड से टर्न कर लूंगी जिधर से ये पकी नहीं है। अब मैं इस पे दूसरी रोटी भी रख दूंगी और इन दोनों का जो साइड कुक नहीं है उसको मैं टर्न करते हुए अच्छे से कुक कर लूंगी। ऐसा करने से हमारी एक बार में 2-2 रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। ये दोनों रोटियां बनके रेडी हो गई हैं। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। ये रोटियां टाइट ना हो जाएं इसलिए मैं इनके बीच में ऐसे हल्का सा घी लगा लूंगी और फिर इनको मैं गीले कपड़े से ढक के रख दूंगी। ये देखिए, मैंने सारी रोटियां बना के रेडी कर ली हैं। ये कितनी ज़्यादा पतली हैं, और रुकिए, मैं इसे ऐसे मोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी हैं। इन रोटियों को मैं अभी कपड़े से ऐसे ही ढक के साइड में रख दूंगी।
चलिए अब हम पनीर टिक्के की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक बड़े से बोल में ऐसे बड़े पीसेस में कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर लूँगी। फिर इसमें मैं पनीर के क्यूब्स ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, ऐसे हाथ से क्रश करके अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और 2 बड़े चम्मच दही ऐड कर दूंगी। अब मैं एक पैन में सरसों का तेल लूंगी और उसे अच्छे से गर्म हो जाने दूंगी। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से तेल में पका लेंगे। अब मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छे से पक गया है, अब मैं इसे भी उसी बोल में ऐड कर दूंगी और इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल लूंगी और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दूंगी। ऑयल गर्म हो गया है, अब हमने जो पनीर की स्टफिंग रेडी की थी उसे मैं इस पैन में ऐड कर दूंगी। इसे हमें हल्का हल्का चला के अच्छे से भून लेना है। इसे बहुत ज़्यादा लगातार ना चलाएं, नहीं तो सारे पनीर टूट जाएंगे। इसे लो फ्लेम पे करके ऐसे भून लें। इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए भूनने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ये हमारे पनीर टिक्का की स्टफिंग रेडी है। इसे हम हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए इसके साथ सर्व करने के लिए हम हरी चटनी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए जार में मैं लूंगी धनिया, फिर उसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च। अब इसमें मैं ये सोक किया हुआ चना दाल भी ऐड कर दूंगी। फिर इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी चीनी, हींग और एट लास्ट थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारी हरी चटनी बनके रेडी है। इसे अभी हम साइड में रखेंगे और चलिए हम पनीर टिक्का रोल बना लेते हैं। हमने जो रोटी रेडी की थी हम उसे ले लेंगे, फिर हम उस पर वो जो पनीर की स्टफिंग रेडी की थी उसे ऐसे इस पर स्प्रेड कर देंगे। फिर इस पर ये कटे हुए प्याज डाल देंगे। अगर आपके पास पत्ता गोभी अवेलेबल हो तो आप भी उसे ऐसे कट करके इस पर डाल दें। फिर इस पर हम डालेंगे शिमला मिर्च। फिर हम इस पर ऐसे कटे हुए खीरे को अच्छे से लगा देंगे। हमने जो ग्रीन चटनी रेडी की थी अब मैं उसको इस पे ऐसे लगा दूंगी और एट लास्ट इस पे खूब सारी हम मेयोनीज डाल देंगे। अब मैं इसे ऐसे दबाते हुए अच्छे से रोल कर लूंगी। फिर इस पे मैं नैपकिन लगा लूंगी। ये हमारा पनीर टिक्का रोल रेडी है। ये एकदम मार्केट जैसा बना है और उतना ही टेस्टी लग रहा है। चलिए अब हम अपना दूसरा सोया चंक्स रोल रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और विनेगर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें सोया चंक्स भी ऐड कर दूंगी। आपको पता है कि सोया चंक्स में कोई टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसमें विनेगर और नमक ऐड किया है ताकि उसका टेस्ट उसमें अच्छे से सोक हो जाए। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में अच्छे से बॉईल हो जाने देंगे जब तक ये अपने साइज से डबल ना हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, ये हमारे सोया चंक्स अच्छे से फूल गए हैं। चलिए इसका जो एक्सेस पानी है उसे स्ट्रेन कर लेते हैं। इसे हम ऐसे दबा के इसका सारा एक्सेस पानी निकाल लेंगे। अगर आप इसे अच्छे से प्रेस करके इसका पानी नहीं निकालेंगे तो फिर इसके अंदर किसी और चीज़ का फ्लेवर सोक नहीं हो पाएगा। ये अच्छे से स्ट्रेन हो गया है,
अब मैं इन सोया चंक्स पे थोड़ा सा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दूंगी और इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रहने दूंगी। अब हम पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और उसे गर्म हो जाने देंगे। तेल के गर्म होते ही मैं उसमें बारीक कटे हुए अदरक और लहसुन ऐड कर दूंगी। इसे ऐसे चला के हल्का सा रोस्ट हो जाने देंगे। फिर मैं इसमें प्याज और शिमला मिर्च दोनों ऐड करके अच्छे से इसे चला के पका लूंगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस ये हल्के से मुलायम हो जाए हमें उतना ही करना है। ये हमारी सारी वेजीज अच्छे से पक गई हैं। अब मैं इसमें सोया चंक्स को ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से ऐसे चला के वेजीज के साथ मिक्स कर लूंगी। फिर मैं इसमें सोया सॉस और चिली सॉस दोनों ऐड कर दूंगी। उसे भी मैं अच्छे से इन सारे में मिक्स कर लूंगी। फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च ऐड कर दूंगी। इन सब को मिला के अच्छे से 2 मिनट के लिए बस हमें पक जाने देना है। ये हमारी स्टफिंग बनके रेडी है, इसे हमें हल्का ठंडा हो जाने देना है। चलिए अब हम सोया चंक्स रोल रेडी कर लेते हैं। हमने जो रोटी रेडी की थी उसे ले लेंगे, फिर उस पर जो हमने स्टफिंग रेडी की थी उसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे। फिर इस पे हम कटे हुए पत्ता गोभी ऐसे लगा देंगे। फिर हम इस पे खीरा लगाएंगे। अब इस पे जाएगी शिमला मिर्च। फिर इस पे ये कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब मैं इस पे ऐसे टोमेटो केचप लगा दूंगी। फिर इस पे हम चिली सॉस डाल देंगे और एट लास्ट इस पे खूब सारी मेयो जाएगी। अब मैं इसे ऐसे दबाते हुए अच्छे से रोल कर लूँगी और फिर नैपकिन में रैप कर लूँगी। ये हमारा सोया चंक्स रोल रेडी है। ये रोल बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बना है। ये हमारे 2 इजी और टेस्टी से रोल रेडी हो गए हैं। ये दोनों ही रोल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और सबको पसंद भी आएंगे। इन दोनों ही रोल का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अलग है और उतना ही टेस्टी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मेरे इन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।